हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डिफरेंट सी लुकआउट वीडियो। आज रिक्रिएशन वीडियो कर रही हूँ। आज की वीडियो में मैं रिक्रिएट कर रही हूँ शिवांगी खेतकर इंस्पायर्ड मेकअप लुक। शिवांगी खेतकर एक बहुत ही अमेजिंग एक्ट्रेस है, जिनका अभी एक सीरियल आ रहा है स्टार प्लस पे, मेहंदी है रचने वाली, एंड बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आता है, मुझे भी बहुत पसंद है। सो इनका एक लुकआउट मैंने लिया, इनके इंस्टाग्राम आईडी से पिक लिया था मैंने। सेम तो ड्रेस नहीं था मेरे पास गाइस, बट बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था, तो सोचा एक रिक्रिएशन वीडियो बनता है। एंड ये जो एक्ट्रेस है, इनका लुकआउट मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा। थोड़ा सा अलग है, राउडी सा लुकआउट है। सो आई होप आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सो गाइज, कोई भी मेकअप को करने से पहले हमारी स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं यहाँ पे एक फेस वॉश यूज़ किया था, जिसका मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ सिरोना का ये फेस सीरम, जो कि एक्ने वालों के लिए बहुत ज़्यादा सही है। अगर आपके स्किन पे कोई भी स्पॉट्स वगैरह हैं तो आप इस सीरम को अप्लाई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी में, लिक्विडी सा नहीं है, बट इसको अप्लाई करने के बाद ना थोड़ा सा ड्राइनेस आता है। एंड गाइज, बट इसको अप्लाई करोगे ना तो आपके स्किन पर बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। सो आप इसको यूज़ कर सकते हो डेली स्किन केयर में, अगर आपके स्किन पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम है। देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये लेमन एंड कुकुम्बर का आई सीरम, गुड वाइब्स का। एंड इसको मैं अपने आई के डार्क सर्कल्स वाले एरिया या फिर पर आईलिड एरिया पे अप्लाई करके मसाज कर लूँगी। ऐसा करने से ना एक तो आपका मसाज हो जाता है, आपकी आई बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है। देन आपके डार्कनेस वगैरह है ना, वो भी धीरे धीरे कम होने में हेल्प मिलता है, एंड आपका मेकअप बेस भी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया मॉइस्चराइजर क्रीम, जो कि गुड वाइब्स का कोकोनट है। मेरा अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा फेवरेट है, एंड मैं डेली यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही सही वाला फ्रेग्रेंस के साथ है, एंड बहुत अच्छे से आपके ना फेस को अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो सेट वगैरह कर देता है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ जॉय का ये लिप बाम। एंड लिप बाम अप्लाई करने के बाद गाइस, जब तक आप लिपस्टिक अप्लाई करते हो ना, उतने देर में आपका जो लिप्स है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। तो हमारी स्किन केयर डन हो गई है, नाउ स्टार्ट करेंगे मेकअप। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन, जो है कि है फिट मी का फाउंडेशन, और ये वार्म न्यूट सा शेड है, मेरे स्किन टोन के लिए बहुत सही है। इस पर मैं एक ड्रॉप वो आई सीरम अप्लाई करूँगी। अगर आपके पास कोई भी आई सीरम है या फिर आर्गन ऑयल है, अगर आप एक ड्रॉप ऐड कर लेते हो ना, तो इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी सही हो जाती है, एंड आपके फेस पे कैकिनेस की प्रॉब्लम आ जाती है ना फाउंडेशन के बाद, वो नहीं आएगा। देन मैं यहाँ पे अपने ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से स्क्यूज आउट कर लूँगी, जो कि मैंने मेकअप स्टार्ट करने से पहले डाला था पानी में, एंड बहुत ही अच्छे से आपको निचोड़ लेना है। देन अपने पूरे फेस पे आप अप्लाई कर लीजिए, एंड अपने फाउंडेशन को अच्छे से आपको ब्लेंड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी फाउंडेशन मैंने अप्लाई किया था, उसको मैंने अपने आईलिड एरिया पे भी अप्लाई किया है, जिससे कि आपका जो फेस है ना वो सेम लगे, मतलब डिफरेंट नहीं लगना चाहिए। नेक पे भी आप अप्लाई करो, एंड बिल्कुल डिफरेंस नज़र नहीं आना चाहिए। अगर आप ज़्यादा अच्छा कवरेज चाहते हो तो डबल शेड अप्लाई कर सकते हो। देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NYV का स्टिक कंसीलर, इसको मैं अपनी पूरी आईलिड एरिया पर अप्लाई करूँगी। जहाँ पे भी मुझे लगता है कि कंसीलिंग की ज़रूरत है, उन सारे जगहों को मैं हाइड करने के लिए यहाँ पे अप्लाई करूँगी। एंड बहुत ही अच्छा सा स्टिक कंसीलर है गाइस, इसको ना आप फिंगर से भी ब्लेंड करते हो, बहुत ही इजीली ब्लेंड आउट होता है। मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मैं अपने जॉयलाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि उनका जो फेस था ना वो बहुत ज़्यादा पतला है, एंड मेरे फेस का कट थोड़ा सा डिफरेंट है, एंड उसको थोड़ा सा साफ करने के लिए ना मैं उन सारे जगहों पर अप्लाई करूँ, ताकि जो जो हमारी कंटूरिंग होगी ना वो अच्छे वे में हो और हमारा फेस भी सेम लगे। तो मैंने बहुत ही अच्छे से कट दिया है। देन मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से सेट आउट कर रही हूँ, जहाँ पे अप्लाई किया सिर्फ वहीं पे, अदर साइड नहीं ड्रैग करना है आपको। एंड मैंने नेक पे भी थोड़ा सा अप्लाई किया था। देन इसको सेट करने के लिए मैं अगेन फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, इसका शेड नंबर मैं दे दूँगी गाइस। ये कॉम्पैक्ट पाउडर मतलब डेली यूज़ में अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो भी इतना अच्छा है ना, कि अगर आप इसको डेली अप्लाई करते हो ना तो बहुत ज़्यादा वाइटनेस नज़र नहीं आता इसको अप्लाई करने पे। एक्स्ट्रा अप्लाई करते हो तो ही ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क लगेगा, बट जब आप इसको सिंपल अप्लाई करते हो ना, नेचुरल बहुत ही अच्छा अमेजिंग सा ये
मेकअप बेस देता है। तो इसको मैं अपने नेक पे भी अप्लाई कर रही हूँ, जहाँ पे मुझे कॉन्टोरिंग करनी वहाँ पे मैंने स्किप किया है। नाउ यहाँ पे अपने ब्राउज को सेट कर रही हूँ। वेगा का ये स्पूली है गाइज, एंड न्यू ही मैंने परचेज किया है, बट ये बहुत अच्छा काम करता है। मेरे ब्राउज बहुत कम है, बट जिन लोगों के ज़्यादा है उनके लिए तो और ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो ब्राउज को सेट करने के लिए मैं हुडा ब्यूटी का आई शैडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। एक एंगल ब्रश की हेल्प से मैं पहले सा एक ड्रॉ करूँगी लाइन थोड़ा सा थिक, एंड देन उसको फिल आउट करेंगे। यहाँ पे उनकी जो ब्राउज थी बहुत ज़्यादा थिक थी एंड ब्लैक सा सेट था, तो मेरे बहुत पतले हैं। मैंने कोशिश किया था थोड़ा सा ना मोटा रखने का, एंड अगेन मैं स्पूली की हेल्प से थोड़ा सा ना इस तरीके से कॉम कर लूँगी, जिससे कि आपकी ब्राउज जो है ना नेचुरल दिखे, फेक ना लगे। और यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो, दोनों ब्राउज को मैंने सेट आउट कर लिया है। जब तक हमने सेट किया, हमारे जो कॉम्पैक्ट पाउडर थे वो भी सेट हो चुके हैं, तो एक्स्ट्रा को हम रिमूव कर देंगे एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से। एंड अभी आपको बहुत ज़्यादा पाउडरी पाउडरी लग रहा होगा, जैसे जैसे मेकअप होगा ना तब तक आपका बेस बहुत ही अच्छे से सेट होता है। तो शुरू में क्या होता है ना, थोड़ा सा पाउडरी लगता है, बट पूरा कंटिन्यू करने के बाद आपका बेस बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ये आई शैडो पैलेट, जिसमें से ना मैं बहुत ट्रांजिशन सा सेल एक ब्राउन सा कलर, एंड इसको मैंने अपनी क्रीज लाइन पे एंड अपनी पूरी आईलिड पे अप्लाई किया है। उनका जो आई था ना बहुत ज़्यादा न्यूट्रल था, बहुत ज़्यादा ना न्यूड कलर में था, तो बहुत सिंपल सा था। तो मैंने ये वाला सेट लेके अपने आई पे अप्लाई किया था, थोड़ा सा डेप्थ दिया था। ब्लेंडिंग करना है बेसिकली बहुत ही अच्छे से। देन मैं अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ। ये स्किनी सब सिमर सेट है, जिससे आप अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर सकते हो, एंड उनकी आई इसी तरीके से हाईलाइट थी, एंड पूरी आईलिड पे ना उन्होंने सिमर सेट बहुत ज़्यादा अप्लाई किया था। इवन अपने क्रीज के ऊपर वाले एरिया पे भी अप्लाई किया था। तो मैंने यहाँ पे स्किन कलर एंड गोल्डन हल्का सा पीच कलर में ना सिमर सेट लेके कॉम्बिनेशन करके मैंने अपने आईलिड को कवर किया है। देन मैं अपने बेस को यहाँ पे सेट कर दूंगी ब्लू हेवन के लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्सर से। अगेन हमेशा की तरह ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको डैप करते हुए सेट करूंगी, जिससे कि हमारा मेकअप जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। एंड देन मैं अपने आई लैसेस को थोड़ा सा कर्ल कर रही हूँ। ये मेरे ओरिजिनल लैसेस है। इसके बाद क्या होता है ना, जो आपके ओरिजिनल लैसेस के बाद आप फेक अप्लाई करते हो ना, तो वो दोनों सेट हो जाते हैं अगर आप थोड़ा सा कर्ल कर लेते हो ना। यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ ये आईलाइनर, जो कि ब्लू हेवन का आईलाइनर, बहुत ही अफोर्डेबल, मतलब मुझे तो 45 के रेंज में मिल गया था। तो उनकी जो आईज थी ना, थोड़ी सी बोल्ड आईलाइनर उन्होंने अप्लाई किया था, बट बिंग बहुत ही कम निकाला था, तो मैंने सेम ट्राई किया है। एंड यहाँ पे मैं मैक का मस्करा यूज़ कर रही हूँ, एंड अपने ओरिजिनल लैसेस को अच्छे से हाईलाइट करूँगी, सॉरी ओरिजिनल लैसेस को पॉप आउट कर दूँगी, एंड अपने नीचे के लोअर लैसेस को भी मैंने थोड़ा यहाँ पे मस्क। एंड देन मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर, जो कि हाइलाइटर मैं सेम पैलेट में से यूज़ कर रही हूँ, वेट एंड वाइल्ड के पैलेट में से। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है हाइलाइटिंग की ज़रूरत है, मैंने वहाँ पे अप्लाई किया है। जितना मैंने देखा उनके पिक में बहुत ज़्यादा हाइलाइटिंग नहीं था, सिंपल, बहुत ही सिंपल सा लुकआउट था। सो ये मेकअप करने में ईजी लग रहा है, बट गाइज करने में टाइम लगा था। एंड मैं अपने नोज़ को थोड़ा सा कॉन्टोर कर रही हूँ, अपने चिन एरिया को थोड़ा सा, जॉ लाइन को, सबको मैंने कॉन्टोर किया है, क्योंकि उनका फेस यार इतना ज़्यादा स्लिम है ना, मेरे फेस से तो बहुत अलग, तो मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था। एंड अपने चिक पे उन्होंने ब्लश अप्लाई किया था, सो मैं भी ब्लश अप्लाई करी, क्योंकि उनके पूरे फेस पे अगर आप देखोगे ना तो सिर्फ ब्लश ही ज़्यादा वर्क आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया ब्रश की हेल्प से। एंड अगेन मैं सेट कर रही हूँ मेकअप फिक्सर से, एंड सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको सेट कर लूँगी। इससे क्या होता है ना कि जो भी आपने मेकअप अप्लाई किया है ना, वो उसी जगह सेट हो जाता है। नाउ यहाँ पे मैं ब्लू हेवन का ये रेड बोल्ड रेड कलर ले रही हूँ, जो कि हल्का सा ऑरेंजिस शेड में है, बट उनका जो लिप्स था ना बहुत ज़्यादा बोल्ड रेड कलर में था, तो ये लिपस्टिक मुझे सही लगा। नाउ जो मेरे हेयर थे वो मैंने सिंपल वॉश किया था उस दिन, कुछ भी स्ट्रेटनर वगैरह यूज़ नहीं किया, क्योंकि उनके हेयर बहुत रफली वहाँ पे कॉम होके उन्होंने एक छोटा सा ना पोनी बनाया था, तो मैंने उसी तरीके का किया है। एंड ये मेरा फाइनल लुकआउट है गाइस, आई होप आपको पसंद आएगा, एंड एक राउडी सा लुकआउट बोल सकते हो, बट पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लग जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी करना एंड सब्सक्राइब करना। साथ में आता है एक छोटा सा बेल आइकन, जिसे आप प्रेस करेंगे ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलूंगी फिर से इस टाइप की न्यू वीडियो के साथ, न्यू लुकआउट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।